स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट करेंगे। देखो 11, 12 और 14 पार्ट। तो पहले 11 पार्ट, इसके अंदर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, देखो यूजिंग डिफरेंशियल्स, यानी हमें डिफरेंशियल का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है हमें इनका यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इन क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.0037, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले मैंने इसको y के इक्वल माना, y इज इक्वल टू अंडर रूट x ले लिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पावर कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 1/2। अगर यहाँ पर पावर 1/3 दे रखी होती तो यहाँ x की बार 1/3 मान लेते, अगर यहाँ पर पावर 3/2 दे रखी हो तो 3/2 मानेंगे, 1/4 दे रखी है तो वही 1/4 मानेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानते हैं। तो y इज इक्वल टू x की पावर, हमें यहाँ पर 1/2 दे रखा है इसलिए मैंने अंडर रूट x मान लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये x है ये इसके नियरेस्ट में किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, नियरेस्ट में देखो 0 के बाद ये पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, यानी कि ये तो हमारा कितना बनेगा, 10,000 बनेगा, ठीक है 10,000 बनेगा। तो ये तो कंप्लीट हमारा 1, 2, 3, 4, 0 है, तो यानी कि इसका जब मैं स्क्वायर लूंगी तो 2, 0 तो बाहर आ ही जाएंगी, लेकिन जो ये 37 है इसके नियरेस्ट में किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, तो हमें आप अच्छे से ध्यान में आ जाएगा किसका हो सकता है, 36 का, ठीक है 36 ही हो सकता है। 37 के नियरेस्ट कौन सा आएगा हमारा, 36। तो हमने x को क्या मान लिया, नियरेस्ट जो इसका स्क्वायर रूट होता है गिवन क्वेश्चन का हम वो मान लेते हैं, तो हमने मान लिया 0.0036, ये हमारा नियरेस्ट मान लिया। इसके बाद देखो ये तो हमारा x है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ज्यादा है हमारी, तो ये क्या है मेरी डेल x। तो हम सबसे पहले डेल x निकालते हैं, तो x प्लस डेल x कितना है मेरे पास, क्वेश्चन जो दिया है हमें 0.0037 ये हमारा है क्वेश्चन, और हमने x कितना माना है बच्चों, 0.0036 माना है। तो डेल x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी, 0.0037 में से माइनस कर देंगे 0.0036, तो हमारा क्या आ गया डेल x 0.001, ये हमारा डेल x की वैल्यू निकल गई। अब हम dy लिखते हैं, तो जो dy होता है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, dy अपॉन dx इंटू में डेल x के इक्वल होता है। तो हम जो ये dy अपॉन dx क्या होता है, जो हमने y इज इक्वल टू ये माना है इसका डिफरेंशिएट करती हैं, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1/2x की बार 1/2 है ना, तो 1/2 अंडर रूट में x आ जाएगा, यानी x की बार 1 माइनस का 1/2 आएगी, 1/2 x की बार माइनस का 1/2, तो मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट में x लिख दिया, मल्टीप्लाई में डेल x मेरा कितना निकल के आया है 0.001 ये लिख दिया हमने। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 1/2 अंडर रूट में x, यानी x का स्क्वायर रूट, x मैंने कितना माना है 0.0036 माना है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डेल x हमारा ये है दे रखा है, ये जो हमने ऊपर से उतार लिया। इसको सॉल्व करेंगे 0.0, देखो यहाँ पे 2 0 है, 2.2 के बाद है और यहाँ पे 4 के बाद है, तो 2 के बाद का कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना 2 के बाद, यानी 0.01 बच जाएगा अपॉन में 12। तब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.00083, ठीक है ये हमारा डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। अब हम डेल वाई लिखते हैं, तो डेल वाई क्या होता है हमारा, तो डेल वाई क्या होता है हमारा, देखो अंडर रूट में एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स, यहाँ पर एक्स की जितनी पावर होती है हम उतनी लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या 1/2 है, तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट माइनस में अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और x प्लस डेल x कितना है मेरे पास 0.0037 का 1/2 है, माइनस में डेल x हमने कितना निकाला है, यह ऊपर भी लिखा था 0.06 आ जाएगा, ये जो माइनस का इधर आके ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 0.06 प्लस में डेल y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। अब देखो 0.06 प्लस डेल वाई हमने कितना निकाला है ऊपर 0.00083, ये हमने डेल वाई निकाल दिया इज इक्वल टू में, ये हमें क्वेश्चन ही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा 12th क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया है, देखो 26.57 की पावर 1/3 ये दे रखा है। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन में हमारा एक ही प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू माना, तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, देखो यहाँ पर 1/3 है तो x की पावर कितना मान लिया मैंने 1/3। अब ये देखेंगे 26.57 के नियरेस्ट ये किसका क्यूब रूट हो सकता है हमारा,
तो ये किसके इसके जो है नियरेस्ट किसका क्यूब रूट होगा, ये 27 का, 27 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा हमारे 27 के। तो x की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, 27 मान ली। अब x प्लस डेल x हमें कितना दे रखा है, 26.57। तो इससे हम डेल x की वैल्यू निकालेंगे, डेल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26.57 माइनस में 27, तो माइनस का 0.43। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डेल x की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो डेल y है वो कितना है हमारा, x प्लस डेल x की पावर 1/3 माइनस में x की पावर 1/3। अब यह x यहाँ पे x प्लस डेल x की हमने वैल्यू पुट कर दी 26.57 की पावर 1/3, और x की पावर 1/3 यानी 27 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ये जो माइनस का 3 है ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 3 प्लस डेल y इज इक्वल टू 26.57 की पावर 1/3। अब हमारा जो dy होता है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है हमारा, dy अपॉन dx इंटू में डेल x के इक्वल होता है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी देखो 1/3 एक्स की पावर, अब की बार 1/3 है ना हमारा, वाई इज इक्वल टू कितना है हमारा, एक्स की पावर 1/3। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो dy अपॉन dx कितना आएगा हमारा, 1/3 एक्स की पावर 1/3 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 2/3 आएगा हमारा। तो x की पावर माइनस का 2/3 आ गया, मल्टीप्लाई डेल x हमने कितना निकाला है, ऊपर निकाला हुआ है 0. माइनस का 0.43 निकाला हुआ है। तो यहाँ पे डेल x की वैल्यू पुट कर देंगे हमारी, माइनस का 0.43 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 1 अपॉन x की पावर, ये माइनस में थी यहाँ पर, मैं नीचे ले आई इसको, किस में हो जाएगी ये पावर, प्लस में हो जाएगी, x की पावर 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस का 0.43 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की पावर 2/3, यहाँ पे x कितना है हमारा, 27 है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 की पावर 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2/3 है, x कितना है मेरा 27, तो 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, और इसकी पावर कितनी 2/3, यानी 2/3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 बच जाएगा, और ये कितना होता है हमारा 9। तो यहाँ x की पावर 2/3 की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी, 9 पुट कर दी, मल्टीप्लाई में माइनस का 0.43 है ही हमारा। अब ये बच गया मेरा माइनस का 0.43 अपॉन में 27, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में हमारा, माइनस का 0.015। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो कितने आ जाएगी डेल वाई प्लस में 3। तो हमारा ऊपर है ये डेल वाई प्लस में 3 है, तो डेल वाई हमारा कितना निकल के आया है, माइनस का 0.015, तो 3 में इसको ऐड कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस यानी 3 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, 26.57 की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारा, 2.985। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा 14 क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है देखो, 3.968 की पावर 3/2 दे रखा है, ठीक है, 3/2 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने पहले सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये 3/2 था तो 3/2 मान लिया। अब x हम देखेंगे, देखो यहाँ 3 को छोड़ दो एक बार, 1/2, तो ये किसका नियरेस्ट, इसका स्क्वायर रूट 3.9868 किसके नियरेस्ट हमारा स्क्वायर रूट होगा हमारा, 4 के नियरेस्ट होगा, ठीक है, ये किसके नियरेस्ट होगा हमारे, 4 के होगा। तो x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 4 मान ली। तो x प्लस डेल x कितना है हमारा, 3.968 है, तो डेल x की वैल्यू निकाल देंगे, 3.968 माइनस में x, x कितना है मेरे पास, 4 है, तो डेल x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.032। ये हमारी डेल x की वैल्यू निकल गई। अब हमारा डेल y कैसे लिखते हैं हम, x प्लस डेल x की पावर 3/2 माइनस में x की पावर 3/2। अब x प्लस डेल x कितना है मेरे पास, 3.968 की पावर 3/2 माइनस, अब यहाँ पे x कितना है मेरा, देखो 4 है, x की 4 है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो 4 को 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है हमें, 3/2, यानी x की पावर 3/2 है ना हमारी, तो यहाँ 2 की पावर 2 इंटू में 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिख रखा है मैंने 2 की पावर 2 में मल्टीप्लाई 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 आ जाएगा, और माइनस का 8 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 8 प्लस डेल वाई कितना हो जाएगा, 3.968 की पावर 3/2 आ जाएगा। अब हमारा जो डी वाई होता है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स
क्या होता है हमारा dy अपॉन dx इंटू में डेल एक्स आ जाएगा हमारा, ठीक है, dy अपॉन dx इंटू डेल एक्स। dy अपॉन dx कितना होगा कि x की बार 3/2 है, तो 3/2 पहले नीचे आ जाएगी, उसमें से एक पावर कम करेंगे तो 1/2 इंटू में डेल एक्स। अच्छा, अब ये 3/2 x की पावर 1/2, x कितना है मेरे पास 4 है, तो 4 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डेल x कितना है हमारा माइनस का 0.032 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.096, ये हमारा dy की वैल्यू निकल गई। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.968 की पावर 3/2 की क्या हो जाएगी हमारी 8 प्लस डेल वाई है, तो 8 प्लस माइनस, ये तो प्लस का बीच में साइन और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का 0.096 किसकी वैल्यू आ गई 3.968 की पावर 3/2 की, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर जाएगा 7.904, ये हमारा आंसर आ गया।